गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचयितां संस्मरण नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री मद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। किसी का प्रश्न है हवन से संबंधित, यज्ञ से संबंधित, उन्होंने अपना परिचय नहीं दिया है। वे पूछ रहे हैं कि हवन में अग्नि की सात जिह्वाओं का पूजन होता है, अग्नि के सात जिह्वाओं के नाम क्या हैं और किस किस कर्म में उनका पूजन होता है, कहाँ कहाँ उनका कैसे प्रयोग करना चाहिए, तो कर्मकांड से संबंधित उनका प्रश्न है। तो देखिए, अग्नियों के जिह्वाओं के जो नाम हैं वे मुख्य रूप से दो तरीके के हैं। एक तो सामान्य हवन जो करते हैं स्मार्त पद्धति से, तो उसमें अग्नियों के पूजन, अग्नियों के जिह्वाओं के पूजन जो जो हैं वे जिह्वाओं के नाम अलग हैं। और एक तांत्रिक हवन होता है, तांत्रिक की कुष्कंडिका होती है, तो वहाँ जो अग्नियों के पूजन होते हैं और अग्नियों के जिह्वाओं के पूजन होते हैं वहाँ अग्नि के जिह्वाओं के नाम अलग हैं। उसमें भी षडाभिचार, षडाभिचार से संबंधित फिर जिह्वाओं को अलग अलग किया गया है कि किस जिह्वा में किससे संबंधित आहुति का प्रक्षेप होना चाहिए। तो पहले देखिए, जो हमारे पार्षकर गृह सूत्र के अनुसार कुष्कंडिका जो है स्मार्त कुष्कंडिका, तो उसमें जो हवन होते हैं तो तत्संबंधित अग्नि के जिह्वाओं के नाम देखिए। पंडित प्रवर महामहोपाध्याय नित्यानंत पंत पर्वतीय जी ने अपने संस्कार दीपक नामक ग्रंथ में कुष्कंडिका अग्नि का पूजन आदि का वर्णन करते हुए आघार और आज्य भाग से पहले अग्नियों के जिह्वाओं के नामों को बतलाया है। देखिए, वे कहते हैं ततो अग्नि जिह्वा पूजनम, उसके बाद अग्नि के जिह्वाओं का पूजन होना चाहिए। तो वे नाम बता रहे हैं, ओम कराल्यै नमः, यानी कराली एक है, दूसरी इसी तरीके से चतुर्थ्यंत नाम लिखा है, मैं प्रथमांत बोलता हूँ, तो कराली, धूमिनी, श्वेता, लोहिता और महालोहिता और सुवर्णा, पद्मरागा, ये अग्नियों के, अग्नि के जिह्वाओं के सात नाम हैं, तो इनका पूजन वहाँ किया जाता है। और इसके बाद में फिर वही दक्षिण जानवाच्य आज्य भाग और आघार भाग का हवन किया जाता है। तो समस्त सात्विक हवनों में, काम हवनों में इनका प्रयोग होना चाहिए, स्मार्त हवनों में अग्नि के जिह्वाओं का पूजन होना चाहिए। अब ये देखिए, एक ग्रंथ है, जैसे मंत्र महारणव है, तंत्र ग्रंथों का संग्रह ग्रंथ है, इसी तरीके से एक अनुष्ठान प्रकाश ग्रंथ है। तो अनुष्ठान प्रकाश में और यहाँ ये अग्नि के जिह्वाओं का पूजन दे रहे हैं और उन्होंने इसमें अग्नियों के नाम बतलाए हैं। तांत्र की कुष्कंडिका होती है, उसका प्रयोग है और उसके बाद में जिह्वा स्थान आने, जिह्वा के स्थान बता रहा है कि किस किस जगह पर क्या पूजन होना चाहिए। तंत्र ग्रंथों में ये विशेष है। वे वशिष्ठ कल्प का उदाहरण देते हुए अनुष्ठान प्रकाश में लिख रहे हैं कि कुंडस्य पूर्व दिग भागे काली जिह्वा प्रकीर्तिता, यहाँ जिह्वाओं के नाम अलग है, वो अलग थे, काली कराली च मनोजवा इत्यादि जो उपनिषद में आता है वे जो है तंत्र में है जिह्वाओं के नाम है। तो कुंड से पूर्व दिग भागे काली जिह्वा प्रकीर्तिता, कुंड के पूर्व भाग में अग्नि की काली नाम की जिह्वा का
जो है पूजन होना चाहिए वो वहां पूर्व में रहती है। आग्नेय एक तो कराल्याख्या, आग्नेय दिशा में कराली, दक्षिणे तो मनोजवा, और दक्षिण में मनोजवा नाम की अग्नि की जिह्वा होती है। सुलोहिता नैऋत्य च, नैऋत्य दिशा में अग्नि की सुलोहिता जिह्वा है। धूम्रवर्णा तो वारुणे, वारुणे माने पश्चिम दिशा में धूम्रवर्णा नाम की अग्नि की जिह्वा की पूजा करे। और स्फुलिंगिनी तो वायव्य, वायव्य दिशा में स्फुलिंगिनी जिह्वा होती है। सौम्य विश्व रुचिस तथा, सौम्य माने होता उत्तर दिशा में, विश्व रुचि नाम की अग्नि की जिह्वा है, इसकी पूजा होनी चाहिए। ये अग्नि की सात जिह्वा हैं। अच्छा, अब देखिए ईशान कोण में कोई भी दिशा कोई भी नहीं है, और पूर्व से और आठ सातों दिशाओं में है, ईशान दिशा इन्होंने छोड़ दी है, उसमें अग्नि की कोई जिह्वा नहीं है। नहीं तो आठ जिह्वा हो या सात जिह्वा है, तो ईशान कोण में नहीं है, बाकी के सभी दिशा और दिशाओं में अग्नि की जिह्वा है। अब कहां कहां किस किस जिह्वा में, अग्नि की जिह्वाओं का सबका पूजन होगा, लेकिन किस जिह्वा में किस कर्म से संबंधित आहुति डालनी चाहिए, इसका वर्णन भी करते हुए बतलाते हैं कि कराल्याम करा काल्याम कराल्याम व कुर्यात् शांतिकम पौष्टिकम तथा। काली और कराली नाम की जिह्वा में शांतिक और पौष्टिक हवन होना चाहिए। शांतिक हवन कराली में और काली में, शांतिक हवन काली में और पौष्टिक हवन कराली नाम की जिह्वा में होना चाहिए। मनोजवायाम जिह्वायाम अभिचारो भी जायते, मनोजवा नाम की जो अग्नि की जिह्वा है उसमें अभिचार सदविचार से संबंधित ये जो है अभिचार कर्म जो होता है उससे संबंधित यदि हवन कर रहे हैं तो मनोजवा नाम की अग्नि की जिह्वा में आहुति गिननी चाहिए। सुलोहितायाम जिह्वायाम तस्याम उच्चाटनम विदु, यदि उच्चाटन हो रहा है, ये भी यद्यपि अभिचार कर्म है लेकिन फिर भी अलग किया है कि अगर उच्चाटन किया जा रहा है तो सुलोहिता नाम की अग्नि की जिह्वा में आहुति होनी चाहिए। सर्वार्थ सिद्धि काम विश्व रुचिम मंत्र विदो विदुहु, मंत्र को जानने वाले विद्वान लोग समस्त प्रकार के इष्ट कार्यों की सिद्धि के लिए सर्वार्थ सिद्धि काम विश्व रुचिम विश्व रुचि नाम की अग्नि की जिह्वा में आहुति का प्रक्षेप करें। अपरे वसुधारेति जिह्वाम पूर्वोदिताम जगुहु उपजिह्वे दिशा प्रोक्ता लक्ष्मी सत्त प्रतिष्ठिता। एक उपजिह्वा भी होती है जिसका नाम है वसुधा, और जो इसमें भी हवन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ये पूर्व में ही इसका स्थान है। कुंडस्य मध्यमम पार्श्व मग्ने आस्यम प्रकीर्तितम। अब कह रहे हैं कुंड का जो मध्य भाग होता है वो अग्नि का मुख होता है। कुंडस्य मध्यमम पार्श्वम, मध्यम मध्य जो पार्श्व है बगल है मध्य के बगल में वो अग्ने आस्यम मुख है। तस्मिन सर्वान कार्याणि साधनीयानि नित्यशः, इसमें जो हवन करने पर जो है समस्त कर्मों की प्राप्ति होती है, समस्त कर्मों की सिद्धि की प्राप्ति होती है, ऐसा लिखा। अब कर्म इसी में अनुष्ठान प्रकाश में एक उद्धरण देते हुए कहते हैं कि संग्रह ग्रंथ में कुछ विशेष लिखा है, उसको सुनिए। अग्नि की जिह्वाओं से संबंधित कि विवाहे वारुणी जिह्वा, विवाह इत्यादि संस्कारों में, विवाहे मुख्य रूप से विवाह संस्कार में वारुणी जिह्वा और मध्यमा यज्ञ कर्मसु। वारुणी जिह्वा माने पश्चिम में, पश्चिम वाली जिह्वा में हवन होना चाहिए विवाह में। और मध्यमा यज्ञ कर्मसु, यज्ञ कर्म में मध्य में एकदम कुंड के मध्य में मध्य जिह्वा के मध्य जिह्वा में हवन होना चाहिए। उत्तरा चोपनयने, उपनयन यानी यज्ञोपवी संस्कार हो रहा है तो उत्तर वाली अग्नि की जिह्वा में हवन होना चाहिए। दक्षिणा पितृकर्मसु, पितृकर्मों में पितृकर्म से संबंधित जो भी हवन हो तो उसमें दक्षिण वाली अग्नि की जिह्वा में आहुति का प्रक्षेप होना चाहिए।
प्राचीना सर्व कार्येषु याज्ञेयी सर्व कर्मसु। प्राचीना सर्व कार्येषु, समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए अग्नि की पूर्व वाली जिह्वा में हवन होना चाहिए। याज्ञेयी सर्व कर्मसु, और नहीं पता हो समस्त कर्मों में अग्नि की आग्नेय जिह्वा में यानी अग्नि कोण में होने वाली जिह्वा में आहुति का प्रक्षेप होना चाहिए। और भी कह रहे हैं ऐशानी चोग्र कार्येषु, अगर उग्र कार्य है कोई, ये संग्रह ग्रंथ का कोई अलग विशेष प्रमाण हो गया है, उग्र कार्य है, अविचार कर्म है, उग्र कर्म है, तो इन कर्मों में जो आहुति का प्रक्षेप हो वो ईशान दिशा में रहने वाली अग्नि की जिह्वा में होना चाहिए। और बुद्धे तत् धूम लक्षणम, इस तरीके से होम का लक्षण, होम का विधान समझना चाहिए। ये अग्नि के जिह्वाओं से संबंधित जानकारी तंत्र ग्रंथों में इस प्रकार दी गई है। और भी है, इनमें बीज मंत्र लगा करके, मंत्र महारणव में बीज मंत्र लगा करके अग्नि के जिह्वाओं का पूजन, अग्नि के जिह्वाओं के निमित्त आहुति भी गिरती है इनके जिह्वाओं के नाम से, तांत्र की कुशकंडिका में ये सब विधान है। तो अग्नि के जिह्वाओं का पूजन, सात अग्नि की जिह्वाएं हैं, इनका स्मार्थ कर्मों में नाम भेद से अलग है और तांत्रिक कर्मों में अग्नि के नाम के भेद से अलग उनके जिह्वाओं का नाम है, इस तरीके से पूजन होता है। तथा अभिचार कर्मों में, कर्म विशेषों में अग्नि के जो जिह्वाएं, अग्नि की जो जिह्वाएं, उस तत्त कर्म के लिए तत्त विशेष जिह्वा में, विशेष दिशा में रहने वाली जिह्वा में आहुति का प्रक्षेप हो, ये भी विधान बतलाया गया है। कुछ संग्रह ग्रंथ वालों ने संग्रह ग्रंथ में कुछ विशेष भी बतलाया है, इनमें कुछ भेद है। किसी भी मत का अवलंबन करके और अग्नि का पूजन करना चाहिए तथा उनकी जिह्वाओं का भी पूजन करना चाहिए। हर हर महादेव।